एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरी की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया और लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। उस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि उस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताओ तो मैं इबलीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा ना रही।